मैं आप लोगों के सामने एक बार फिर उपस्थित हुआ हूँ हिंदी साहित्य के पाठ चार के दूसरे भाग को लेकर। हिंदी साहित्य के पाठ चार, क्या नाम है पाठ का? पाठ का नाम है क्या है शीर्षक पाठ का? टॉम, टॉम और टॉम की मित्रता। टॉम और टॉम की मित्रता, ये शीर्षक है। यह जो है यह वीडियो इस पाठ चार का दूसरा भाग। कौन सा भाग है ये? दूसरा भाग है। पहले भागों में हम लोगों ने क्या किया था? तो पहले भागों में मैंने ये कहानी है उसको सुनाया था, उसके बारे में बताया था, उसको वर्णन किया था क्या है कहानी। मैंने बताया था कि यह कहानी दो मित्रों की है, जिसमें एक मित्र जो है दूसरे मित्र की संकट की घड़ी में मुसीबत आने पर मदद नहीं करता। इस वीडियो के द्वारा इस क्लास में हम लोग प्रश्नोत्तर करेंगे, मतलब अभ्यास करेंगे। अभ्यास क्या चीज करेंगे? प्रश्नोत्तर का अभ्यास करेंगे। बहुत सारी चीजें हैं आपके टेक्स्ट बुक में, आपके हिंदी साहित्य में बहुत सारी चीजें दी गई है। एक शब्दार्थ दिया हुआ गया है, तो आप लोग शब्दार्थ जो है डायरेक्ट बुक से याद कर सकते हैं। जैसे पहला शब्दांत का पहला क्या है? रोमांचक। रोमांचक का मतलब क्या होता है? मजेदार। फिर है घबराना, दूसरा वर्ड क्या है? घबराना। तो घबराने का अर्थ क्या होता है, क्या शब्दार्थ होगा? डरना। इसके बाद तीसरा है एहसास। एहसास का मतलब होता है महसूस करना। तो इस तरह से कुछ है नजारा। नजारा मतलब दृश्य, कैसा दृश्य था। तो ये कुछ शब्दार्थ है आपके बुक में, आप इसको डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं या कॉपी में लिख कर भी याद कर सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा। तो हम लोग इस वीडियो में जो है क्या करेंगे, इस वीडियो के द्वारा हम लोग प्रश्नोत्तर का अभ्यास करेंगे, ठीक है? उसने उसकी बातों को क्या किया था?
अनसुना कर दिया था। तो क्यों अनसुना कर दिया था? इसलिए क्योंकि टॉम जो है भालू से अपनी जान पहचाना चाहता था, है कि नहीं? आंसर क्या लिखेंगे? टॉम अपने मित्र टॉम की मदद के लिए क्यों नहीं आया? तो लिखेंगे टॉम भालू, टॉम भालू के डर से, टॉम भालू के डर से टॉम की बात को अनसुना कर दिया। टॉम भालू के डर से अपनी जान, टॉम भालू के डर से अपनी जान बचाने के लिए, बचाने के लिए टॉम की, टॉम की आवाज को क्या किया था? अनसुना कर दिया। टॉम भालू के डर से अपनी जान बचाने के लिए टॉम की आवाज को अनसुना कर दिया, कर दिया। और टॉम की मदद के लिए नहीं आया, और टॉम की मदद के लिए नहीं आया। ये हो गया आंसर। टॉम अपने मित्र टॉम की मदद के लिए क्यों नहीं आया? तो टॉम भालू के डर से अपनी जान बचाने के लिए टॉम की आवाज को अनसुना कर दिया और टॉम की मदद के लिए नहीं आया। ये आंसर होगा टॉम भालू के डर से, किसकी डर से? भालू के डर से। टॉम भालू के डर से अपनी जान बचाने के लिए टॉम की आवाज को अनसुना कर दिया और टॉम की मदद के लिए नहीं आया। ठीक है, हो गया आंसर। ठीक है, ये आंसर लिखेंगे पहला का, टॉम भालू के डर से अपनी जान बचाने के लिए टॉम की आवाज को, आवाज लगाया था ना, आवाज को अनसुना कर दिया, आवाज को अनसुना कर दिया और टॉम की मदद के लिए नहीं आया। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न देखिए। दूसरा प्रश्न क्या है? दूसरा प्रश्न है कि सच्चा मित्र कौन होता है? सच्चा मित्र कौन होता है? क्या होगा उत्तर? जो मित्र मुसीबत में या संकट के समय अपने मित्र का साथ दे, वही सच्चा मित्र होता है। क्या आंसर? क्या आंसर लिखेंगे? वह मित्र जो मुसीबत में काम आए, वह मित्र जो मुसीबत में, वह मित्र जो मुसीबत में काम आए, सच्चा मित्र कौन होता है? वह मित्र जो मुसीबत में काम आए,
सच्चा मित्र वही सच्चा मित्र वही सच्चा मित्र होता है, काम आए वही सच्चा मित्र ठीक है। वह मित्र जो मुसीबत में काम आए वही सच्चा मित्र, ये दूसरे प्रश्न का उत्तर हुआ। सच्चा मित्र कौन होता है? वह मित्र जो मुसीबत में काम आए वही सच्चा मित्र होता है, ठीक है। अब तीसरा प्रश्न लिखेंगे, ठीक है। और तीसरा प्रश्न क्या लिखेंगे कि पॉम ने भालू से अपनी जान कैसे बचाई, ठीक है। पॉम ने भालू से अपनी जान कैसे बचाई, ये प्रश्न है। क्या है कि पॉम ने भालू से अपनी जान कैसे बचाई? अगर आप लोगों ने कहानी पढ़ा है तो आप लोग आंसर लिख लेंगे। क्या क्या था? भालू के नजदीक आने पर पॉम क्या क्या था? अपना श्वास रोककर मरने का नाटक किया था, जमीन पर लेट गया था, है ना। क्या क्या था लिखेंगे? पॉम ने अपनी श्वास रोककर मरने का नाटक करके मरने का नाटक करके अपनी जान बचाई। श्वास रोक के वह क्या कहता है? जमीन पे लेट गया, ठीक है। इसके बाद पॉम ने अपनी श्वास रोक कर मरने का नाटक करके अपनी जान बचाई। इसके बाद एक और प्रश्न है, प्रश्न क्या है? टॉम तथा पॉम में सच्ची मित्रता क्यों नहीं थी? टॉम तथा पॉम में सच्ची टॉम तथा पॉम में सच्ची मित्रता क्यों नहीं थी? चौथा प्रश्न है स्टूडेंट्स, इसमें लिखा हुआ है कि टॉम तथा पॉम में सच्ची मित्रता क्यों नहीं थी? तो टॉम ने मुसीबत के समय पॉम की मदद नहीं की, इसलिए दोनों में कह सकते हैं कि दोनों में सच्ची मित्रता नहीं थी। टॉम ने मुसीबत के समय पॉम की मदद नहीं की, इसलिए दोनों में सच्ची मित्रता नहीं थी। तो स्टूडेंट्स, आप लोग ये चारों प्रश्न के उत्तर को जो है अपने वाक्य में अपने सेंटेंस में लिख सकते हैं, ठीक है, और अच्छे से बना के भी लिख सकते हैं। और ये चार प्रश्न है, बाकी के जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इस प्रश्न इस चैप्टर का, जो भी
इसके बारे में हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे और आगे के कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।